यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। हरियाणा और हरियाणा के गीत गाना और सुनना सभी को बेहद पसंद है और कई कलाकार ऐसे हुए हैं हरियाणा में जिन्होंने न सिर्फ भारत में बल्कि विश्व में धूम मचा रखी है। नमस्कार जी हां, मैं हूं आपके साथ नेहा वाली और स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम खास मुलाकात में। तो आज खास मुलाकात में एक ऐसी कलाकार हमारे साथ जुड़ी है जिन्होंने अपना पहला गाना लॉन्च किया है और उसी गाने ने यूट्यूब पर धूम मचा रखी है। तो हमारे साथ मौजूद है गीता सिंह। गीता, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबरें अभी तक में। थैंक यू मैम। तो गीता, मेरा पहला सवाल आपसे है, आपका नया गाना मार्केट में आया है और खूब धूम मचा रखी है उसने सोशल मीडिया पर, तो एक्सपीरियंस कैसा रहा गाने का? इसका एक्सपीरियंस हमने सोचा भी नहीं था कि इतना अच्छा होगा। हम सबको बहुत ही खुशी हो रही है कि हमारी मेहनत इतना रंग लाई और लोगों ने इतना प्यार दिया। कुछ ही घंटों के बाद ये गाना लगातार अब तक ट्रेंडिंग पे चल रहा है और ये किसी एक दो बंदे की मेहनत नहीं है, ये पूरी टीम की मेहनत है और हमने इस पे लगभग 6-7 महीने लगाए हैं। तो सभी ने मतलब इक्वली कंट्रीब्यूट किया है गाने में और सभी का काफी बढ़ चढ़ कर योगदान दिया गया है गाने में, हम देख भी सकते हैं। तो गीता, जिस तरीके का गाना है, गाने का थीम कब डिसाइड किया और क्या मतलब किस चीज पर मेन फोकस था गाने में? इस पे मेन फोकस था मैम वुमेन एम्पावरमेंट पे, क्योंकि लड़कियों के लिए ऐसे गाने हरियाणा में तो बने ही नहीं है और मैंने तो कभी सुना नहीं। और हरियाणा में मेनली ऐसे ही गाने बनते हैं जिनमें लड़कियों को ये दिखाया जाता है कि भाई वो बाद में मान जाती है या फिर ऐसा कुछ, लेकिन इसका थीम बहुत ही हटके है। इसमें लड़की का अपना ही एक एटीट्यूड है जो लड़के अपने गानों में दिखाते हैं, इसमें लड़की का है। तो गीता, जिस तरीके से आपने बताया कि पूरा थीम काफी अलग है और हरियाणा में हरियाणवी गाने पसंद किए जाते हैं, लेकिन अलग राज्यों की बात की जाए तो वहाँ भी आजकल हरियाणवी गानों को खूब पसंद किया जाता है और आपका जो सॉन्ग है वो भी बहुत पसंद किया जा रहा है, तो और गानों से आपका गाना अलग किस तरीके से है? ये गाना इसलिए अलग है क्योंकि इस पे लड़की पर फोकस है और लड़की ही इसमें हीरो है, लड़की ही इसमें सब कुछ है। इसमें दिखाया गया है कि लड़की की अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है जिसको वो जिंदा रखती है, अपने दम पर जिंदा रखती है और उसके घर वाले भी उसका उसमें बहुत साथ देते हैं। तो गीता, जिस तरीके से हम हरियाणा की अभी बात कर रहे हैं, हाँ जी, तो हरियाणा में आज भी कई ऐसे गांव हैं, कई ऐसे घर हैं जहां पर लड़कियों को बाहर ज्यादा जाने की इजाजत नहीं दी जाती। बिल्कुल। या फिर खुद के लिए अगर वो कुछ करना चाहे तो सोचते हैं कि लड़कियों को बाहर ना जाने दिया जाए, लड़की घर की इज्जत होती है। तो क्या लगता है जो आपका गाना है जिस थीम पर बेस्ड है ये उन लोगों पर कुछ असर कर पाएगा? शायद इस पे हम ये कह सकते हैं कि अगर लड़कियां इस मामले में जागरूक हैं कि भाई ये गाना आया है और ऐसा होना चाहिए, लेकिन कुछ लड़कियां तो ऐसी कि ना जिनको इसका ये भी नहीं है कि भाई ये गाना, उनके पास ये गाना ही नहीं पहुंचेगा। पहली बात तो ये है क्योंकि उनको हर चीज़ से दूर रखा जाता है, उनको दबा के रखा जाता है और शुरू से ही ये बोला जाता है तू लड़की है ये नहीं करना, तू लड़की है तुझे वो नहीं करना। तो अगर उनको मौका दिया जाए तो वो कुछ भी कर सकती हैं और ये गाना इसी बात को प्रूव करता है। तो गीता, क्या लगता है इस सॉन्ग से और इंस्पायर हो पाएंगे लोग या फिर और लड़कियां, उनके पेरेंट्स, उनको कुछ इंस्पिरेशन मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा मैम, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि ये गाना सिर्फ लड़की पर ही बेस्ड है, लड़की ही इसमें हीरो। मस्त मलंग रहूं अपनी ही धुन में, मैं सू छोरी हरियाणा की। तो क्या लगता है जो गीता है जिसने सभी लड़कियों की आवाज को इस गाने में बनाया है और सभी के मन की बात को शायद रखा है, तो क्या गीता भी एक्चुअल में ऐसी है? हाँ जी, मैं बता रही हूँ आपको, मैं जब तक गांव में थी मैं ऐसी नहीं थी क्योंकि मुझे किसी भी बात के बारे में पता नहीं था, लेकिन जब से मैं यूनिवर्सिटी में आई हूँ मैंने बहुत कुछ सीखा है यहाँ से और मैंने ऑर्गेनाइजेशन में भी काम किया है तो वहाँ से भी मैंने बहुत कुछ सीखा है और एक अलग ही तरह का कॉन्फिडेंस आया मेरे अंदर कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। अब ये है कि मैं गलत कुछ सहन नहीं कर सकती, वो तो शुरू से ही था कि घर वाले भी मेरे डिसीजन मानते हैं। तो गीता, मतलब कहीं ना कहीं आपका कहने का ये मतलब है कि लड़कियों को बाहर निकलना चाहिए, बाहर निकल कर ही उन्हें पता चलता है कि आसपास क्या चल रहा है, कॉन्फिडेंस की आपने बात की, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। हाँ जी, क्योंकि वो जब तक बाहर नहीं निकलती उनको क्या पता कि बाहर की दुनिया कैसी है, वो उससे रूबरू ही नहीं होती वो उससे। तो बिल्कुल गीता, आपकी बातों से भी, जिस तरीके से आपका नया गाना है और काफी लोग पसंद कर रहे हैं, हाँ जी, तो जितने भी दर्शक इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनके लिए कुछ 2-3 लाइनें? हाँ, मैं उनके लिए ही कहूंगी जो गांव से लड़कियों को निकलने नहीं देती या जो महिलाएं थी पुराने टाइम की, उनकी मैं मन की बात उनकी आपके सामने रखना चाहती हूँ। ओले में उम्र बीत गई ना दिखण दे संसार है,
ओले मैं उम्र बीत गई ना दिखण दे संसार है मैं तोड़ के गात कमाई ना फिर भी मिटे तकरार है ओले मैं उम्र बीत गई। तो गीता अब आगे के क्या प्रोजेक्ट्स हैं या फिर क्या सोचा है कि अब इन फ्यूचर मुझे ये सब कुछ करना है? बिल्कुल करना है और करना है अच्छा ही करना है चाहे कुछ भी हो जाए अगर चीज़ लेके आनी है लोगों के बीच में तो अच्छी और हटके लेके आनी है चाहे कम ही क्यों ना हो पर अच्छा काम करना है ये हमारा लक्ष्य है। तो क्या गीता कभी बॉलीवुड में सिंगिंग करना चाहेगी या फिर कोई सपना हो बॉलीवुड या फिर पंजाबी फोक ट्राई करना चाहे? मैं पहले हरियाणा में अपनी पहचान बनाना चाहती हूँ और मेरा सपना है कि मैं बॉलीवुड में जाऊँ उसके लिए मैं मेहनत करूँगी बहुत ज़्यादा लेकिन फिर भी मैंने अपना बेस्ट दिया है और बॉलीवुड तक जाने की बात है जहाँ तक वहाँ तक जाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है वो मैं बिल्कुल करूँगी सपना है मेरा लेकिन ये तो सपना है बॉलीवुड में भी छाप छोड़ने का। तो गीता शुरुआत कहाँ से हुई कहाँ से लगा कि मैं सिंगिंग कर सकती हूँ या फिर कहीं से सिंगिंग की आपने शिक्षा ली हो ज्ञान लिया हो तो उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए मैंने कहीं से शिक्षा नहीं ली है और मैं जब बचपन में मैं सिक्स्थ क्लास में थी मेरे से किसी ने पूछा बेटा आप क्या बनोगे बड़े होके तो मैंने बोला था मैंने दो बात बोली थी उनको कि एक तो मैं सिंगर बनूंगी और एक संस्कृत की टीचर बनूंगी और तब तक मुझे पता भी नहीं था कि मैं क्या करूंगी क्या बनूंगी मुझे कुछ नहीं पता था और मैं आई यूनिवर्सिटी में हमने यूथ फेस्टिवल में भी पार्टिसिपेट किया लेकिन ये नहीं पता था कि हमारा मेरा गाना ऐसे लॉन्च होएगा सपना था ये था कि मैं अच्छा गा सकती हूँ किसी भी सिंगर का मैं गाना सुनती थी बॉलीवुड के मैं ये सोचती थी यार ऐसा तो मैं गा ही ना दूंगी मेरे से क्यों नहीं गवाते ये लोग लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मतलब कहीं ना कहीं था कि मैं भी ये कर सकती बिल्कुल था किसी का भी गाना सुन के मेरे अंदर ये बात आती थी यार ये तो मैं कर सकती हूं। तो आपकी पसंदीदा कोई सिंगर या फिर कोई आपकी इंस्पिरेशन हो? मेरे पसंदीदा तो कुमार सानू है। तो गीता क्या आपके घर में ये सब पसंद था शुरू से ही और घर वाले इस आपका जो ये सपना है या आप जो गाना गाती हैं या आगे गाएंगी इसे सपोर्ट करते हैं? देखिए जब मैंने उनको शुरू में बोला मेरी टीम ने मेरा बहुत साथ दिया इसमें मेरी टीम का बहुत बड़ा हाथ है सबने मुझे बोला गीता तुझे गाना है लेकिन जब मैंने अपने पापा को ये बात बोली पापा मैं ऐसे ऐसे गाना गाऊंगी और मैंने उनको ये गाना सुनाया भी कि ऐसा ऐसा है तो उन्होंने बोला नहीं बेटा इस लाइन में आप सेफ नहीं हो लड़कियां तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है एक कहीं ना कहीं मेंटालिटी रहती है सबकी कि लड़कियों के लिए ये लाइन अच्छी बिल्कुल लेकिन मेरी टीम ने मेरे अंदर इतना मोटिवेशन इतना वो पैदा किया है कि हौसला मैंने उनको बोला कि मैं अच्छा काम कर रही हूँ कोई गलत काम थोड़ी ना कर रही हूँ तो मैंने उनको बोला देखो पापा अभी तो मैं बता के कर रही हूँ फिर मैं बिना बताए करूँगी वो भी अच्छी बात है फिर मेरे पापा बोले बेटा कोई बात नहीं हम आपके साथ हैं बस आपको अच्छा गाना। तो अभी पहला गाना आपका रिलीज हो चुका है और कह सकते हैं कि हिट भी हो रहा है धीरे धीरे अभी 3-4 दिन ही हुए हैं और इतने व्यूज मिलना बहुत प्यार है लोगों का। तो अभी क्या उनकी जो मानसिकता है वो बदली है? बिल्कुल बदली है क्योंकि कहीं ना कहीं जिद करके हमने काम किया है माँ बाप को तो उन्हें लगता है कि ठीक है बच्चे बिना बताए करे जैसा कि आपने बताया तो अब उनकी मानसिकता पे कोई असर पड़ा है? बहुत सपोर्ट कर रहे हैं भाई भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं मम्मी की तो स्टार्टिंग से ही है और अब पापा भी ये बोल रहे हैं ठीक है बेटा अगर आपको करना है तो करो लेकिन अच्छा काम करना है। तो बाकी जो आपके आसपास के लोग हैं जिस तरीके से आपने बताया जहाँ पढ़ाई करती हैं आपकी क्लासमेट्स या फिर आपकी यूनिवर्सिटी में जो लोग हैं उनका क्या अब रवैया है आपको लेकर आपके गाने के बाद और पहले जो लाइफ थी उसके बाद अब जो लाइफ है उसमें क्या कुछ बदलाव आए? वो बिल्कुल चेंज हो गया अब सब लोग बहुत इज्जत करते हैं कि आपका गाना मैं पहले भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ती थी उनका रवैया ऐसा था ये तो ऐसे ही घूमती है ये वो लेकिन अब पता नहीं क्यों उनकी नजरों में इतनी इज्जत हो गई है। ये था कि ऐसा लगता है कि जो बहुत बड़े सिंगर होते हैं या फिर जिस तरीके से राइजिंग स्टार्स हैं जो तो लाइफ दोनों की सेम होती है दोनों को सेम स्ट्रगल करना पड़ता है उतना ही लोगों का सुनना ये सब सेम रहता है दोनों तो आपको भी वो सब सुनने को मिला? बिल्कुल बहुत उम्दा लिरिक्स हैं जिस तरीके से ये गाने के बोल है ना तो क्या जो हरियाणा की लड़कियां होती हैं इसी तरीके की होती है मतलब कोई उनसे पंगा लेने के बारे में 100 बार सोचता होगा कि हाँ इससे पंगा लिया जाए या नहीं? गीता क्या एक्चुअल में ऐसी है? बिल्कुल मैं एक्चुअल में लड़के गीता नहीं हाँ बिल्कुल डरते हैं तो गीता ये जो बोल है गाने के आपके ये बोल मतलब क्या हरियाणा की हर लड़की के लिए है उनकी जो इमोशंस हैं या फिर वो जो सोचती हैं उन्हें डिस्क्राइब करने के लिए कहीं ना कहीं? देखिए ये एक्चुअली क्या है
ये गाना हमारा नहीं है, पूरे हरियाणा की लड़कियों को डेडिकेटेड है ये गाना। और उनकी ही फीलिंग्स बताई गई। कुछ लड़कियां होती हैं ऐसी, हो तो सारी भी जाएं अगर घर वाले साथ दें, समाज साथ दें उनका। तो गीता, जिस तरीके के आपके गाने के बोल हैं, काफी इंस्पायर करने वाले बोल हैं, तो पूरी हरियाणा की जितनी भी लड़कियां हैं, क्या सभी के लिए बोल हैं उनकी पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करने के लिए, या फिर जो उनकी अपने इमोशंस हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए? देखिए, ये गाना सभी लड़कियों को डेडिकेटेड है जो हरियाणा की लड़कियां हैं। और मैं ये नहीं कहूंगी कि ये हरियाणा की लड़की, ये बाहर की लड़कियों को भी डेडिकेटेड है। इतना एटीट्यूड हर लड़की में होना चाहिए कि वो अपने आप को प्रूव कर सके और अपने आप के दम, अपने दम पर जी सके। ये नहीं है कि भाई इसके बोल बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही हटके हैं। तो गीता, जिस तरीके का गाना है हमने सुना है, तो गीत के साथ साथ म्यूजिक पर भी बहुत ध्यान दिया गया है, ताकि लोग जब म्यूजिक को सुने तो, क्योंकि धुन पर लोगों को थिरकना भी बहुत अच्छा लगता है, तो धुन पर भी बहुत ख्याल जो रखा गया है, धुन का बहुत ध्यान दिया गया है धुन पर भी। हाँ जी, ये धुन भी राइटर ने ही बनाई है इसकी। अच्छा। और म्यूजिक इसका सिरसा से किया गया है। तो जितना भी कह सकते हैं कि टैलेंटेड लोगों ने मिलकर के काम किया है और एक पैकेज जो है जनता के लिए बनाया। तो अभी आगे की क्या कुछ प्लान्स है, आगे कोई प्रोजेक्ट या फिर कोई और गाना जो दर्शकों को देखने को मिले और फिर से दर्शक उसे पसंद करे? हाँ जी बिल्कुल, हम बहुत जल्द लेके आ रहे हैं गाना और लेके आते रहेंगे। जब आपने गाने की शुरुआत की, तो क्या पहले से ये तय था कि मैं हरियाणवी सिंगिंग से ही शुरुआत करूंगी, या फिर अचानक से हरियाणवी ही गाना गाया पहला? नहीं, ये तय नहीं था। तय तो ये भी नहीं था कि मैं सिंगर बनूंगी, वो तो बस एक सपना था। सपना तो हम कुछ भी ले सकते हैं। और ये नहीं था कि मैं हरियाणवी गाऊंगी या फिर जो भी है। तो गीता, अब जिस तरीके से आपने बताया था कि कोई तालीम नहीं ली है आपने, कोई शिक्षा नहीं ली है म्यूजिक की, तो अब ये गाना आप देख सकते हैं कि हिट हो रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं, तो क्या अब आपके मन में ऐसा कोई विचार आता है कि अब मुझे सिंगिंग को लेकर कोई शिक्षा लेनी चाहिए, ताकि जो सुर हैं उन पर और ध्यान दिया जाए और अच्छे हो पाए? हाँ जी बिल्कुल है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं और अच्छा गाऊँ, अच्छे तरीके से गाऊँ। तो गीता बबीता और मानुषी छिल्लर, सपना चौधरी, कई ऐसी बेटियां हुई हैं जिनमें अब गीता सिंह भी अपनी छाप छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है, क्यों गीता? जी बिल्कुल। तो इसी के साथ अब गीता की आपने लाइफ के बारे में जाना। गीता ने बताया कि पहला गाना कैसे था और किस तरीके से उन्होंने इन सब की शुरुआत की है, और अब हम मिलेंगे गीता की पूरी टीम से। तो मस्त मलंग की पूरी टीम हमारे साथ है। गीता, सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस कराइए आपकी टीम में कौन कौन है और किसने क्या कुछ योगदान गाने में दिया है। ये राइटर साहब हैं और इन्होंने ये गाना कंपोज किया है, इनका बहुत बड़ा हाथ है। और इन्होंने जब गाना रिकॉर्ड कर रहे थे, वीडियो शूट हो रही थी उसकी, तो उस टाइम भी इन्होंने बहुत सारा भाग दौड़ का काम बहुत किया है। ये अशोक जांगड़ा जी हैं, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर। और कॉस्ट्यूम की बहुत तारीफ हो रही है कि किसी भी गाने में ऐसा कॉस्ट्यूम नहीं था, तो वो इनका कमाल है। ये शिषपाल भाई हैं जिन्होंने गाने की नींव रखी है। इनके बोलने के बाद ही हमने ये सोचा था कि हम हाँ कर सकते हैं, कुछ हमारे पीछे सपोर्ट है, क्योंकि कोई भी चीज़ करने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट ज़रूरी होता है। तो वो पूरा डिपार्टमेंट उन्होंने संभाला। हाँ जी, शिषपाल भाई हैं। और ये अपूर्व बत्रा है, ये वीडियो में है, और उस दिन कैमरा था इनके पास, फोटो वगैरह लेने थे जो भी, वो इन्होंने लिए थे, इनका पर्सनल कैमरा है। और ये तो डायरेक्टर साहब हैं, बहुत सारे गाने इन्होंने डायरेक्ट किए हैं हरियाणा में। बहुत हर स्टोरी में मतलब कुछ खास होता है, हर स्टोरी इनकी बहुत अच्छी होती है। हमारे अजय जांगड़ा सर हैं, ये तो हमारे, ये समझ लो कि यूनिवर्सिटी में हमारे सिर पे इनका इतना हाथ है कि हमें ना ये महसूस नहीं होता कि हमारा यहाँ बड़ा नहीं है। तो मतलब माँ बाप का जो किरदार है वो ये निभा रहे हैं। बहुत बहुत अच्छे हैं सभी, और पूरी टीम। ये मयंक है, ये सर के बेटे हैं, और ये भी बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, इन्होंने गाने में काम किया है। तो ये है पूरी टीम गीता की। मस्त मलंग सॉन्ग में जितने भी काम हुए हैं पूरी टीम ने किया है। तो सबसे पहले डायरेक्टर साहब से बात करेंगे, तो ये जो क्रिएशन है आपकी, कैसे ये स्टोरी का आइडिया माइंड में आया, और कितने, जिस तरीके से गीता ने बताया काफ़ी सॉन्ग आपने डायरेक्ट किए हैं, और सॉन्ग से ये सॉन्ग कैसे अलग है? सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि अलग और कंसेप्ट, क्योंकि इसकी पहले सिचुएशन सोची थी कि हम लोग ऐसा गाना करेंगे, अगर सोलो ट्रैक किसी मान लो गीता का किया, तो गीता को इंट्रोड्यूस करना था। अगर किसी को इंट्रोड्यूस करते हैं, लॉन्च करते हैं, तो हम लोग उसके लिए कुछ स्पेशली होना चाहिए, तब मैं देखूंगा कि कुछ नया आया है। तो प्रवीण, आपके ऊपर ये काफ़ी जिम्मेवारी कह सकते हैं कि थी शब्दों की,
तो इन शब्दों को खोजने में या संजोने में, कहते हैं ना कि माला में मोतियों की तरह शब्दों को पिरोना एक राइटर का काम होता है, तो कितना वक्त लगा इस क्रिएशन को तैयार करने में, इसे लिखने में? एक्चुअली मैम ये है कि जब मैं अमित सर से मिला तो मेरे माइंड में जैसे इन्होंने बताया कि कैसे काम करना है, तो मेरे को एक प्रकार से कह लीजिए कि एक धागा मिल गया। तो काफ़ी मेहनत सबके मिलकर के इस गाने में लगी है, उसके बाद ये जो आपका क्रिएशन है, क्रिएटिविटी है, सबके सामने आई। शीशपाल जी के पास आना चाहूँगी, आपसे जानना चाहूँगी कितना भरोसा था पूरी टीम के ऊपर कि आपको लगा कि हाँ मुझे इस टीम को सहयोग करना चाहिए और ये टीम कुछ ना कुछ करके दिखाएगी। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करूँगा, जो आप आम लोगों की आवाज़ हर किसी के पास पहुँचाते हैं। उसके बाद गीता बहन मिली 2015 में संपर्क हुआ, फिर टीम के साथ इंट्रोडक्शन करवाया, और मेरी भी इच्छा थी, मैं गा तो सकता नहीं ना ही डायरेक्ट कर सकता, मेरी इच्छा थी कि जैसे गायक है या टीम मिल जाए तो मैं कुछ हेल्प करूं और कुछ अच्छा काम करें। अब अशोक जी से बात करना चाहेंगे। अशोक जी, पूरे गाने में जो गाने की जान थी, जिसने दर्शकों को बांध के रखा, वो थे गाने के कॉस्ट्यूम। और हरियाणवी कितने भी गाने सुन लें, कितने भी वीडियोस हम देख लें, तो आपके गाने के कॉस्ट्यूम काफ़ी अलग थे, तो उसको आपने डिज़ाइन किया, उसके बारे में कुछ बताइए। मैम एक्चुअली जब अमित जी जो डायरेक्टर हैं उन्होंने बताया कि मुझे उन्होंने सिचुएशन बता दी थी, कहानी बताते हैं सबसे पहले, मैं इनके हर सॉन्ग में कॉस्ट्यूम मैं ही करता हूँ, तो उन्होंने बताया कि मुझे जो गीता है उसको ऐसा दिखाना है, ऐसी लिपसिंग चाहिए कि जी हरियाणा में तो हुई नहीं, पंजाब में भी नहीं हुई। फिर मैंने देखा कि हरियाणवी लड़की है, गाना मैंने सुना, एक एटीट्यूड मेंटेन रखना है, तो उसकी कॉस्ट्यूम, उसकी ड्रेस कैसी होनी चाहिए, तो पगड़ी का मेरे दिमाग में आया कि पगड़ी बांधते हैं, ब्लैक जो ड्रेस देखी होगी काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं अभी, जैसे कि अभी भी गीता ने पगड़ी पहन ही रखा। हाँ, तो हम इसको लेकर चल रहे हैं कि एक पगड़ी की शान को भी रखें गाने में, और वो अच्छी भी लग रही है। तो जिस तरीके से म्यूजिक के साथ खेला गया, वैसे कॉस्ट्यूम के साथ भी, जैसा कि मैंने टाइटल आपका जो टैगलाइन है वो भी पढ़ा, ब्रेव गर्ल, तो ब्रेवरी जो थी वो गीता में दिखाई दे रही थी। हाँ, वो सब दिखाना था, तो विजुलाइज वो हो रहा था। नो डाउट कॉस्ट्यूम्स की हम बात करें तो कॉस्ट्यूम वाकई बहुत अच्छे थे। तो अब बात करते हैं कलाकारों की, कलाकारों में हमारे साथ अपूर्व मौजूद है। अपूर्व, आपने भी एक आई थिंक विलन का कैरेक्टर आपने निभाया है, तो कैसा मतलब रहा एक्सपीरियंस, कैसा लगा उस समय उस कैरेक्टर को अदा करते वक्त? देखो, मेरे को पता नहीं था कि मुझे वो कैरेक्टर करना भी है, क्योंकि मैं आया था इनके सपोर्ट के लिए सिर्फ। ओके। वहाँ पे तो इन्होंने कहा भी, अप्पू भाई तेरा जो वो है ना लुक है वो बहुत खतरनाक सा आ रहा है। तो जैसा कि गीता ने शुरुआती टाइम पे कहा था कि पूरी टीम पर एक माँ बाप की तरह साया रहा था, तो वो साया थे प्रोफेसर अजय जांगड़ा जी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो जिस तरीके से पूरे टीम को आपने संभाल के रखा, एक माँ बाप का फर्ज अदा किया, तो क्या कुछ नर्वसनेस थी कि हाँ मेरे बच्चे जो है ये करने जा रहे हैं, और किस तरीके से आपने सपोर्ट किया सभी को? जी लगभग हम 5 साल से इकट्ठे काम कर रहे हैं। मेरे पास कल्चर कोऑर्डिनेटर का चार्ज था पूरी यूनिवर्सिटी का, तो उसमें ये लोग बच्चे स्टूडेंट हमारे अच्छे काम करते हैं, तो धीरे धीरे करके इनमें कला निकल रही है, तो आइडिया इन लोगों का जनरेट हुआ है। तो ये जरूर है कि अपने आप में इंडिविजुअल सभी लोग बहुत अच्छे हैं, टैलेंटेड है, हीरे हैं। इस गीत के माध्यम से या इस प्रोजेक्ट के माध्यम से ये सारे हीरे एक ताज बन के सामने आया है। तो जांगड़ा साहब, जिस तरीके से आपने सबको बताया कि काफी टैलेंटेड है आपका ग्रुप, क्या ये टैलेंटेड के साथ साथ शरारती भी हैं बच्चे? कभी तंग भी करते हैं आपको, और मतलब नॉटीनेस हो बच्चों में? बहुत ज्यादा। तो ये भी ज्यादा शरारती है, ये कोई छोटा बैठा वो भी ज्यादा शरारती है, ये सब मिलके कुछ ऐसे प्रांक्स करते रहते हैं यहाँ पे। तो कह सकते हैं कि जो दिखाने की कोशिश की गई है पूरे गाने में वो नजर भी आ रहा है। इसी के साथ छोटे नवाब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मयंक, आपको गाना कैसा लगा? सबकी बातें हमने सुन ली, अब आपकी बात जानना चाहेंगे, आपको कैसा गाना लगा? मेरे को काफी अच्छा लगा। तो मयंक, जितने भी अभी इस वक्त दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज देंगे आप गाने को देखते हुए? मैं यही चाहता हूँ कि सारे आराम से रहें और किसी को तंग न करें। तो बहुत बड़ी बात यहाँ पर मयंक ने कही है। गीता, अब आपके पास आना चाहूंगी। तो पूरी टीम की हमने बातें सुनी हैं, बातें जानी हैं, और काफी अच्छा आपका गाना रहा, पूरी टीम ने बहुत मेहनत की है, और आपका स्पेशली काफी अच्छा कैरेक्टर पूरे गाने में हमने देखा। और बिल्कुल जैसा कि आपके कॉस्ट्यूम डिजाइनर ने भी बताया, जिस तरीके से आपकी छवि थी उसी तरीके से आपको डिजाइन किया गया, आपके कैरेक्टर को लिखा गया। तो अब जाते जाते आप जितने भी व्यूअर्स इस वक्त इस खास मुलाकात को देख रहे हैं गीता सिंह के साथ, उन्हें क्या मैसेज देंगे?
यही मैसेज दूंगी मैं कि लड़कियों को कम मत समझो, वो कुछ भी कर सकती हैं। ये बोलते हैं कि लड़कियां लड़कों के बराबर हैं, नहीं, लड़कों के बराबर नहीं है, वो उनसे भी अच्छा कुछ कर सकती हैं और अपने आप को प्रूव कर सकती हैं। बस आप उनको एक मौका तो दे के देखिए, फिर वो क्या करती हैं ये सारी दुनिया देखेगी। तो सुना आपने कि लड़कियां आज के युग में किसी से भी कम नहीं है, बराबर तो वो लड़कों से चली रही है लेकिन आज के युग में वो लड़कों से भी आगे है। तो बस बराबरी करने का एक मौका तो दीजिए। आज की इस खास मुलाकात में मेरे साथ बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।